इसके बारे में सभी संवेदनशील है। मुझे आशा है कि आने वाले 29 तारीख तक हमारे लिए कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट हो जाएगी और सब लोग खुश हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस चैनल। तो जैसे कि मैं मेरा हर एक वीडियो में बताता आया हूँ कि वो दिन दूर नहीं है जब हर एक पेंशनर्स के चेहरे पे खुशी होगी, सबकी मांगे पूरी होने वाली है। तो इसके ऊपर मैं बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ और मैं एक्सपेक्टेशन भी दिया था, क्योंकि जिस तरह से ये मैटर चल रही है, अशोक रावत जी और मैनी आर देयर एज वेल जिस तरह से इसके ऊपर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये देखने को मिल रहा था स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है एक्सेप्ट होने लगी है। सो इसी को देखते हुए मैं कहा था और आज फिर से इसके ऊपर और एक स्टेप आगे चल गई है ये मैटर। तो इसी के ऊपर एक वीडियो यहाँ पे अशोक रावत जी ने जो दिखाई है, जो बताई है, आप सुन लीजिए तो आपको पता चलेगा। सो वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको समझ आए कि ये मैटर कितना दूर तक गया है, और ज़्यादा दूर नहीं है, ये बहुत ही जल्द आपका जो बेनिफिट्स है अपने अकाउंट पर रिसीव होने वाली है। सो लेट्स वॉच दिस वीडियो टुगेदर। आज हम लोग CPFC के ऑफिस में आए थे, शाम को 5 बजे का हमें अपॉइंटमेंट दिया गया था और उन्होंने बुलाने के बाद हम 5 बजे यहाँ पर आए। CPFC मैडम, हमारी श्रीमती नीलम शमी राव जी, वो हमारे हमें उन्होंने काफ़ी टाइम दिया, काफ़ी बोलने का पूरा डिस्कशन हुआ, बहुत सारा टाइम दिया। और मैं था, मेरे साथ हमारे महासचिव वीरेंद्र सिंह जी थे, राष्ट्रीय सचिव आदरणीय बहुगुणा जी थे, आदरणीय DS राणा जी जो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है, और आदरणीय बालाजी जो हमारे साउथ इंडिया के कोऑर्डिनेटर थे, चीफ कोऑर्डिनेटर, हम सब लोग थे। काफ़ी देर तक चर्चा हुई और उसमें हमने यही बोला कि हमने कल आपके अधिकारियों से मीटिंग की, उसमें हमने अपने प्रस्ताव रखे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार प्रस्ताव रखे। और एक तो मेन प्रस्ताव हमारा वही है, 7,500 महंगाई भत्ता, अगर वो अभी फिलहाल इमीजिएटली नहीं दे सकते तो एक इमीजिएटली इंटरिम रिलीफ दी जाए, जो कि 5,000 हमारे जो प्रेजेंट पेंशन है उसमें 5,000 ऐड की जाए, और उसी के साथ अगर 5 नहीं तो 4, ये 2-3 ऑप्शन हमने दिए हैं जो कि उनके लिए सुविधा होगी, कि उसमें से एक चुन के बाद में हम 7,500 और महंगे भत्ता के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो ये उनको बताया गया, उन्होंने भी एक्नॉलेज किया, उन्होंने कहा कि मैं खुद, हमारी श्रम सचिव जी आरती आहूजा जी और उसके अलावा आदरणीय मंत्री जी, सब इस विषय में बहुत सेंसिटिव है, बहुत भावुक है और सब मिलके ये करना चाहते हैं। तो हमने भी वही कहा कि हम सब लोगों का जब उद्देश्य एक ही है तो क्यों ना हम सब मिलके जल्दी से जल्दी इसको करें और लोगों के चेहरे पर मुस्कान आए। हमने मैडम को बताया 200 लोग रोज मर रहे हैं, 6,000 का एवरेज है पूरे भारत में मरने का एक महीने का। तो ये, और हमने ये भी कहा कि आप एक्चुअरी का जो स्ट्रिक्ट रवैया होता है, क्योंकि उसको तो कुछ इंसानियत से लेना देना नहीं है, वो क्या करेगा, बोलेगा 20 साल के बाद, 30 साल के बाद फंड को ये होगा। अरे भाई, जो आदमी आज मर रहा है उसके लिए आप कुछ नहीं करोगे, और जो आज जन्मा भी नहीं है उसके लिए तरतूद करके रखोगे, ये कहाँ का न्याय है, हमारा पैसा कटा है हमें दो। तो ये मैडम को हमने समझाया, उन्होंने भी बड़े सहानुभूतिपूर्वक सुना और उन्होंने कहा कि मैं आपका प्रस्ताव जल्दी से जल्दी आगे भेजती हूँ। 21 तारीख को उन्होंने EPFO के सारे अधिकारियों की मीटिंग रखी है, इस विषय पर कुछ और आइडिया जनरेट करेंगे। और इसी के साथ एक और आइडिया जनरेट हो गई जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, मैडम से हमारी बात हुई है कि जो राज्य सरकार वृद्धापकाल की पेंशन देती है तो वो पेंशन जैसे बाकी वृद्धों को दी जाती है, वैसे ही हमारी पेंशन जो EPS की है उसमें राज्य सरकार की वो वृद्धापकाल पेंशन भी राज्य सरकार जोड़े, क्योंकि इन लोगों ने उन राज्यों में ही अपना कार्य किया है उद्योग में, उद्योग क्षेत्र में, तो उनको अपनी पेंशन के अलावा वृद्धापकाल की पेंशन राज्य सरकार दे, इस विषय पर भी वो प्रोग्रेस करने जा रहे हैं और इसके ऊपर राज्य सरकार पर भी दबाव लाना ज़रूरी है। तो मैं इस माध्यम से हमारे EPS के भाइयों को बताऊंगा कि अपने अपने राज्य सरकार को हम आंदोलन बढ़ाएंगे, यानी सी राज्य सरकार पे भी अपने अपने यूनिट की तरह की जरिए दबाव बढ़ाएगी और उनको ये करने के लिए बाध्य करेगी। और इस स्कीम को, हमारी मांग को कैसे पूरा किया जाए, इसमें सारे लोग
लगे हुए हैं, इसके बारे में सभी संवेदनशील है। मुझे आशा है कि आने वाले 29 तारीख तक हमारे लिए कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट हो जाएगी और सब लोग खुश हो जाएंगे। ये इसी के साथ मैं आज का ये जो मुझे आपको बताना था, और आज हमने हमारे वीरेंद्र सिंह सर, जो हमारे महासचिव आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, बच्चे सिंह जी, इन्होंने जाके श्रम मंत्रालय में मंत्री जी को, सचिव जी को और उस श्रम सचिव जी को, और जो वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री और वित्त मंत्री के जो सचिव है, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी एंड फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन जी, स्वामीनाथन जी, इनको भी सबको ये हमारा जो सुझाव है ये पहुंचाया गया।